फिर कैसा रहा अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी का 24 घंटे का सफर। आप सभी को पता ही होगा कि अक्षय कुमार की न्यू मूवी सरफिरा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला वो सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सरफिरा मूवी का ट्रेलर एक दिन बाद यानी कि 24 घंटे बाद 35 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है। कहीं न कहीं ये व्यूज अक्षय कुमार के लेवल से कम कहे जा सकते हैं, लेकिन एक डिसेंट व्यूज है। बात करें इस मूवी के ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर को मिला जुला रिस्पांस मिला है। किसी को ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा पसंद आया है तो कोई ठीक ठाक बोल रहा है। उसका रीजन है कि ये मूवी भी एक रीमेक मूवी है। ये मूवी साउथ के स्टार सूर्या राय पोत्रू की रीमेक है, इसीलिए इसको मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है कि पहले ही ये मूवी OTT पर उपलब्ध है तो काफी सारे लोगों ने ये मूवी देख ली है, तो काफी सारे लोग इस मूवी से भी इंटरेस्टेड नहीं है तो इसी वजह से इस ट्रेलर को ठीक ठाक बोल रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार की एक अपनी ऑडियंस है जो कि अक्षय कुमार के हर मूवी को देखना चाहती है, और हिंदी ऑडियंस में भी काफी ऐसी ऑडियंस है जो कि उसकी सूर्या राय पोत्र मूवी अभी तक नहीं दिखी है, तो उनको ये ट्रेलर फ्रेश लगा है और कह रहे हैं कि अक्षय कुमार का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हमें इस मूवी में देखने को मिल रहा है। अभी ये मूवी IMDb रेटिंग में भी ऊपर चल रही है और इसकी हाइप भी ठीक ठाक चल रही है। तो ये सारे रिव्यूज मिक्स करके हम कह सकते हैं कि मूवी का बस तो बना दिया है और इसकी हाइप को कहीं न कहीं बढ़ाया तो है ही। बात तो सही है। प्रमोशन इस मूवी का बहुत ही हाई लेवल पे ठीक तरह से करना होगा जिससे कि इसकी हाइप में और बढ़ोतरी हो जाए और ये मूवी सिनेमा घरों में फाड़े। तो आपने अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी का ट्रेलर देखा है या नहीं? अगर देखा है तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं देखा है तो फटाफट जाके ट्रेलर को देखिए। और ऐसे ही खबरों के लिए आपके अपनी भाई के चैनल पागल बॉलीवुड SM को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई, मेरे दोस्तों।